तो हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है। तो यहाँ पे फाइनली मेरे पास आ गया है Realme Buds Q, जो कि मैंने Amazon से ऑर्डर कराया है और वन डे डिलीवरी में यहाँ पे मेरे पास आ गया है और कल से मैं इसको यूज भी कर रहा हूँ। तो चलिए आज की वीडियो में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ इन्हीं Realme Buds Q के बारे में, किस तरीके से रहते हैं, क्या क्या आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं और ये रिटेल यूनिट है। साथ ही साथ आप यहाँ पे बैक में देख सकते हो कि आपको इसके अंदर MRP 2499 रुपये देखने को मिल जाती है और कुछ फीचर्स आपको यहाँ पे बॉक्स में देखने को मिल जाते हैं। चलिए जल्दी से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। उससे पहले आपको दिखा दूं कि बैक साइड पे आपको कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको 20 आवर्स का यहां पे बैटरी बैकअप मिल जाएगा केस के साथ एंड यहां पे आपको 10 मिलीमीटर का आपको यहां पे बेस ड्राइवर देखने को मिलता है। उसी के अलावा आपको गेमिंग मोड देखने को मिल जाता है और यहां पे बहुत ही लाइट वेट 3.6 ग्राम का ये देखने को मिलता है। एक अच्छी चीज ये भी है कि इसके अंदर टच कंट्रोल आता है और आप इसको Realme Link ऐप के मदद से टच कंट्रोल को थोड़ा सा कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से यहां पे हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, देख लेते हैं कि रिटेल बॉक्स में आपको क्या देखने को मिलता है। यहां पे बात कर लें जो जो चीज आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी, तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहां पे बर्ड्स रखे हुए आपको मिल जाते हैं बॉक्स के अंदर। और यार जैसे ही बाहर निकालते हैं एक चीज आपको पता चलेगी कि काफी प्रीमियम क्वालिटी का लुक मुझे देखने को लिए लग रहा है एज कंपेयर टू यार रेडमी के बर्ड्स जो एस यहां पे आते हैं। काफी यूनिक डिजाइन है आपको यहां पे फ्लैट में देखने को मिलती है मैट टाइप में और थोड़ी सी आपको यहां पे रिफ्लेक्शन भी मिल जाएगी। ऊपर रियलमी आपको लिखा हुआ ब्रांड देखने को मिल जाता है और काफी अच्छा मुझे ये केस का डिजाइन लगा है। इसके बारे में आगे बात करेंगे, उससे पहले हम एसेसरीज देख लें। तो आपको यहां पे एक यूएसबी केबल सिंपल वाली देखने को मिल जाती है छोटी सी बॉक्स के अंदर एंड आपको यहां पे एक Realme Buds Q के लिए क्विक स्टार्ट गाइड भी मिलती है, जहां पे आप बहुत सारी चीज यहां पे पढ़ सकते हो, देख सकते हो क्या कैसे यूज करना है एंड यहां पे आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी मिलती है। और एक चीज काफी अच्छी मुझे लगी कि ईयर टिप्स भी आपको अलग से यहां पे येलो कलर के एक्सेंट के साथ मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छा यहां पे लगा है। अब यहां पे बात कर लेते हैं कि इनका डिजाइन कैसा है, तो मैं कहूंगा यार डिजाइन एक काफी अच्छा यहां पे इसमें देखने को मिलता है क्योंकि बहुत ही अच्छी मैट फिनिश के साथ आती है। और यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, मैट फिनिश तो है लेकिन ये स्लिपरी भी आपको थोड़ा सा देखने को मिल जाता है। आगे आपको फ्रंट साइड में एक इंडिकेटर लाइट देखने को मिलती है और एज कंपेयर टू रेडमी ईयरबड्स एस तो ये काफी हल्का देखने को मिल जाता है। और अगर थोड़ा सा डिजाइन में और ये कस्टमाइज कलर ले आते ना, तो जैसे लगता है आपको पत्थर बाहर देखने को मिलता है ना, उसी टाइप का यहां पे ये डिजाइन इसका हो जाता, लेकिन फिलहाल जैसा है ये बहुत ही अच्छा मुझे देखने के लिए लग रहा है। आप इसको एक हाथ से नहीं खोल सकते क्योंकि काफी ज्यादा स्लिपरी है, आपको दोनों हाथ यहां पे लगाना होगा, उसके बाद आप इसको ओपन कर पाओगे। अंदर से भी डिजाइन काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहां पे देख सकते हो। बर्ड्स के अंदर भी यहां पे आपको Realme की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और बर्ड्स का भी डिजाइन सेम एज आपको ये जो केस का डिजाइन है उसके जैसा लगता है। बर्ड्स काफी छोटे हैं और काफी हल्के भी हैं क्योंकि 3.6 ग्राम के ही बर्ड्स देखने को मिलते हैं सिंगल के, आपको ये चीज बहुत ज्यादा मुझे अच्छी यहां पे लगी है। और ब्रांडिंग वगैरह भी अच्छी लगती है और प्रीमियम फील थोड़ा सा यहां पे देता है इस प्राइस रेंज के अंदर एज कंपेयर टू Redmi Buds S। और साथ ही साथ ये काफी छोटे हैं और आपके ईयर्स में इजिली फिट हो जाते हैं, मुझे अभी तक कोई दिक्कत यहां पे नहीं आई है और काफी लाइट वेट है तो कंफर्टेबल भी आपके ईयर में इजिली रहते हैं। अब ये चीज तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है, आप देख सकते हो ईयर टिप्स भी काफी अच्छी है, साथ ही साथ उनके अंदर भी आपको एक एक्सेंट मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज यह है कि यार आपको ये टच कंट्रोल के साथ देखने को मिलते हैं, जो कि आपको और इस प्राइस रेंज में किसी में इतने अच्छे नहीं देखने को मिलते हैं, जिसको आप खुद से कस्टमाइज भी कर सकते हो Realme Link ऐप के साथ, जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है। बात कर लें बैटरी की, तो 400 mAh की केस में अंदर बैटरी मिलती है और ईयरबड्स के अंदर आपको 40 mAh की बैटरी मिल जाती है, तो आप 4 से 5 घंटे का आपको यहां पर बैटरी बैकअप इजिली मिल जाएगा। एक चीज यहां पर मुझे मिसिंग लगी वो है यार इंडिकेटर लाइटिंग, तो बर्ड्स के अंदर दोनों में से किसी के अंदर आपको इंडिकेटर लाइटिंग नहीं देखने को मिलती है और आपको कनेक्ट करने में भी हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। यहां पे आप देख सकते हो मैं Realme Link Q ऐप के साथ, जो Realme Link का ऐप है, उसके साथ कनेक्ट कर रहा हूं, जिसके लिए आपको यहां पे इसको होल्ड करके रखना पड़ता है 5 सेकंड के लिए, उसके बाद आप इसको नेक्स्ट करके पेयर कर सकते हो। पेयरिंग में यहां फर्स्ट टाइम पे यार थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़ा सा इसका सिचुएशन इधर उधर है, थोड़ी सी बगी मुझे लगा है अभी फिलहाल, हो सकता है आपको अपडेट आने के बाद और भी इजीली यहां पे आप इसको पेयर कर पाओ, जो कि आपको यहां पे हो जाए। लेकिन फिलहाल तो आप देख सकते हो पेयर होने के बाद आपको यहां पे बैटरी इंडिकेटर वगैरह भी देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ आप यहां पे सारे फंक्शन को कस्टमाइज कर सकते हो उसका ऑप्शन मिलता है, गेमिंग मोड आप यहां पे ऑन ऑफ कर सकते हो उसका ऑप्शन मिल जाता है। मैं आपको आगे टेस्ट कराऊंगा कि गेमिंग मोड किस तरीके से देखने को मिलता है, लेकिन आप पहले देख सकते हो कि यहां पे जो टच कंट्रोल का ऑप्शन है उसको कस्टमाइज करने का भी फुल ऑप्शन मिलता है, जैसे कि डबल टैप पे आपको प्ले पॉज करना है, नेक्स्ट ट्रैक पे जाना है, प्रीवियस ट्रैक पे जाना है, वॉइस असिस्टेंट को ऑन करना है या कुछ भी नहीं करना है, तो आप उस सभी चीजों को
दोनों आपको ये फोन में आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। देख सकते हो रियलमी ये लिंक ऐप से यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये थोड़ी सी दिक्कत रहती है कि यार इसमें समझ में नहीं आता है कि कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें इंडिकेटर लाइट नहीं रहती है। तो ये चीज मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। अगर इंडिकेटर लाइट हो जाती ना तो वन ऑफ द बेस्ट 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 हो जाता, लेकिन इंडिकेटर लाइट नहीं है तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। लेकिन आप इसको अगर आप रियलमी लिंक ऐप को नहीं यूज करते हो तो डायरेक्टली ये काफी जल्दी कनेक्ट हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं देखने को मिली है। उसी के अलावा आप लेफ्ट ईयरबड्स राइट ईयरबड्स को दोनों को कस्टमाइज कर सकते हो। एंड अगर आपको गेमिंग मोड को भी ऑन करना है तो आप दोनों ईयरबड्स को टैप करके रखोगे तो आपका गेमिंग मोड भी ऑन हो जाएगा। तो ये भी एक काफी अच्छी चीज यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिलती है। उसी के अलावा आप यहाँ पे साउंड प्ले इजिली काफी अच्छा यहाँ पे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये भी एक काफी अच्छी चीज मिलती है कि आपको टच कंट्रोल गेमिंग मोड वगैरह देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस रेंज में किसी और में नहीं मिलता है। अब यहाँ पे हम बात कर लें जल्दी से कि साउंड क्वालिटी कैसे मिलती है। अगर मैं आपको एक कंपैरिजन बताऊं Redmi Buds S के साथ जो कि आपको देखने को मिलते हैं, तो मुझे यार इनके अंदर थोड़े से बेस जो झंझन वाली आवाज है वो थोड़ी सी कम लगी। हालांकि लाउडनेस काफी अच्छी है, मिड्स हाई आपको काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, उतना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे Redmi एज कम्पेयर टू Redmi Earbuds जिसके अंदर बहुत ही अच्छा बेस हैवी वो देखने को मिलता है, उतना ये बेस हैवी मुझे नहीं लगा पर्सनली। लेकिन उसके अलावा आपको यहाँ पे काफी अच्छी टोन देखने को ट्रेबल वगैरह मिल जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। उसी के अलावा ये कान में आपके ईयर्स में काफी इजिली फिट हो जाते हैं, तो अंदर एक नॉइस कैंसिलेशन टाइप का वैक्यूम बन जाता है, तो आपको कोई भी यहाँ पे यार आपको बाहर की आवाज नहीं सुनाई देती है और लाउडनेस काफी अच्छी है। उसी के अलावा यहाँ पे यार टच कंट्रोल भी काफी अच्छे से वर्क कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको इसके अंदर नहीं देखने को मिलती है। और उसी के अलावा यहाँ पे ये IPX4 वाटर रेटेड एंड ब्लूटूथ 5.0 के साथ यहाँ पे आते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज मुझे यहाँ पे देखने के लिए लगी है। बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, आपको यहाँ पे कंफर्टेबल मेरे ईयर्स में बिल्कुल है, कोई भी दिक्कत नहीं आई है। टच सेंसर देखने को मिल जाता है, बटन्स वगैरह नहीं मिलते हैं एज कंपेयर टू Redmi के जो बर्ड्स आते हैं, एंड गेमिंग मोड भी देखने को मिल जाता है। अब यहां पे बात कर लेते हैं तो किस तरीके की आपको कॉल क्वालिटी में आवाज आती है, तो मैं कहूंगा यार सिमिलर ही है जैसे सारे ईयरबड्स में मिलती है, क्योंकि यार माइक काफी दूर है तो थोड़ी आवाज लो जाती है, तो ये प्रॉब्लम सभी में रहती है। आप चाहे जितने ईयरबड्स ले लो सभी में आपको एक चीज देखने को मिल जाती है, और ये बहुत ही ऊपर फिट होते हैं तो थोड़ा सा आपको यहां पे हो सकता है साउंड कम आने में दिक्कत लगे, तो ये चीज आपको यहां पे चलती रहती है। अब मैं यहां पे आपको टेस्ट करा देता हूं यार थोड़ा सा गेमिंग मोड की, वो किस तरीके से आपको यहां पे परफॉर्मेंस में देखने को मिलता है। यहां पे हम प्ले करेंगे PUBG, एक बार हम यहां पे ट्राई करेंगे बिना गेमिंग मोड को ऑन करे, दूसरी बार हम यहां पे चेक कर लेंगे गेमिंग मोड को ऑन करके। उसी के अलावा चलिए जल्दी से यहां पे हम टेस्ट कर लेते हैं गेमिंग मोड को किस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा कि यार PUBG के अंदर आपको कितनी लेटेंसी देखने को मिलती है। सबसे पहले यहां पे हम देखेंगे बिना गेमिंग मोड के, यहां पे आपको मैं दिखा दूं तो Realme Link ऐप के अंदर आप यहां पे देख सकते हो गेमिंग मोड है ऑफ, और यहां पे हम टेस्ट कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको आवाज साउंड यहां पे देखने को मिल जाती है। आई होप आपको यहां पे सुनाई देगी, यार ये माइक रिकॉर्ड कर पा रहा होगा साउंड, तो यहां पे आप थोड़ा सा देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको समझ में आया थोड़ा सा, तो यहाँ पे बिना गेमिंग मोड के आप देख सकते हो जब यहाँ पे फायर हो जाता है उसके बाद यहाँ पे जब ये आपको रीलोड करता है तब आवाज़ थोड़ी सी यहाँ पे सुनाई देती है। अब यहाँ पे हम ऑन कर लेते हैं इसका गेमिंग मोड, जिसको आप एयरबड से भी ऑन कर सकते हो और Realme Link ऐप से भी ऑन कर सकते हो। और एक और चीज़ यार काफ़ी कूल है इसके अंदर, जब आप Realme Link ऐप से भी या ऐसे ही ऑन करोगे तो आपको एक कार रनिंग की इंजन स्टार्ट की आवाज़ सुनाई देगी जब गेमिंग मोड ऑन हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम गेमिंग मोड ऑन हो गया है, अब इसका यहाँ पे हम टेस्ट कर लेते हैं। आई होप आप यहां पे देख सकते होगे तो काफी ज्यादा क्लियर डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है जब गेमिंग मोड ऑन रहता है और जब गेमिंग मोड ऑफ रहता है। क्योंकि आप यहां पे देख सकते हो गेमिंग मोड ऑन करने के बाद यार जब फायर होता है तो तुरंत ही टाइम में एकदम आपको यहां पे साउंड सुनाई दे जाती है, और जब गेमिंग मोड ऑफ रहता है तो जब आपका यहां पे स्कोप से बाहर आ जाता है तब साउंड सुनाई देती है। तो बहुत ही अच्छा यहां पे इन्होंने इंप्रूवमेंट किया है लो लेटेंसी में, जो कि एक मुझे बहुत ही अच्छी चीज यहां पे लगी है एज कंपेयर टू Redmi Earbuds। ये बहुत ही ज्यादा बेटर लग रहे हैं।
हैं। पबजी के मामले में लेटेंसी इनके में काफी कम यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। सो आई होप आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पे आपको ये गेमिंग मोड में भी देखने को मिल जाते हैं। और ओवरऑल में अगर आपको बताऊं तो यार फिलहाल मुझे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस करा है Realme Buds Q में। सबसे अच्छी चीज तो ये यार इसका डिजाइन कंफर्टेबल आपको देखने को मिल जाता है, टच सेंसर के साथ मिल जाता है, इवन टच सेंसर को आप यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हो काफी हद तक Realme Q ऐप के साथ, साथ ही साथ गेमिंग मोड में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पे बस एक चीज मुझे थोड़ी सी कम लगी कि यार बेस हैवी थोड़े कम है, जो कि मुझे ज्यादा पसंद आता है और मोस्टली इंडियन ऑडियंस को भी पसंद आता है। लेकिन बेस इतना भी कम नहीं है कि यार आपको फीका फीका सॉन्ग लगेगा टाइप का, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा बेस साउंड बैलेंस्ड आपको देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ना काफी कूल यहाँ पे लग रहे हैं। अगर आपको बाय करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अब ये टोटली आपके ऊपर है, मैं कभी भी आपको फोर्स नहीं करता हूं कि आप यही जाके बाय करो, लेकिन आप यहाँ पे चेकआउट इनको कर सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा, मैं आपके लिए एक जरूर से कंपैरिजन लेके आऊंगा Redmi Earbuds S के साथ कि किस तरीके से यहाँ पे दोनों के कंपैरिजन में कौन सा बेटर रहता है। फिलहाल तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।